अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू इंग्लिश चैप्टर 8 अ फ्लैश ऑफ लाइट, पेज नंबर 89। हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्वाइन द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग द कंजक्शंस एज फॉर सिंस और व्हाइल, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हर सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं। हमने उन पार्ट्स को ज्वाइन करना है कंजक्शंस को यूज़ करके। द सन वॉज वेरी हॉट, इट वॉज स्टिल समर। तो अगर हमने इनको जोड़ना है तो देखें, द सन वॉज वेरी हॉट, सूरज बहुत गर्म था। इट वॉज स्टिल समर, अभी गर्मी थी या अभी गर्मी का अभी मौसम में गर्मा था, ठीक है। तो इनको सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम यूज़ करेंगे सिंस। द सन वॉज वेरी हॉट सिंस इट वॉज स्टिल समर। शी कैन फाइंड द वे, शी इज़ सो क्लेवर। शी कैन फाइंड द वे, वो रास्ता ढूंढ सकती है। शी इज़ सो क्लेवर, वो बहुत चलाक है। तो इसको जोड़ने के लिए हम यूज़ करेंगे एस। शी कैन फाइंड द वे एस शी इज़ सो क्लेवर। ही बिगिन टू गेट फ्राइटेंड फुल स्टॉप, इट वॉज गेटिंग डार्क। उसे डर लगना शुरू हो गया या उसे खौफ आना शुरू हो गया, अब अंधेरा हो रहा था। ही बिगिन टू गेट फ्राइटेंड फॉर इट वॉज गेटिंग डार्क, क्योंकि मतलब वो डरना शुरू हो गया क्योंकि अब अंधेरा हो रहा था। मोना रीड अ बुक, मोना ने किताब पढ़ी। द बेबी स्लेप्ट, बच्चा सो गया। मोना रीड द बुक वाइल द बेबी स्लेप्ट, के मोना जिस जब तक बच्चा मोना ने किताब पढ़ी उस वक्त तक बच्चा सो गया। वाइल इनको हम जोड़ने के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब्स एंड नाउन्स है, यहाँ आपको वर्ब्स दिए गए हैं, आपने इसके नाउन लिखने हैं। जैसे एक्ट का एक्ट वर्ब है और उस नाउन है एक्शन। इंजर इंजरी, एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन। अच्छा, यहाँ एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग गलत है, आप लोगों ने करेक्ट लिखने हैं। एडवाइस, एडवाइस में अगर एस हो तो वो वर्ब होता है और अगर आप उसको सी लगा दो तो वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्यूज एक्यूसेशन, सेटिस्फाई सेटिस्फेक्शन, कंप्लेन कंप्लेंट, इंजरी ओके, इंक्वायर इंक्वायरी। स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी बुक पे ही नोट करना है। ये मेक श्योर योर वर्क इज़ नीट क्लीन एंड टाइडी। अल्लाह हाफिज़।